हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी वर्ड छोड़ना के लिए अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग इंग्लिश वर्ड के बारे में। देखिए, धूम्रपान छोड़ना, स्टेशन छोड़ना, धुआं छोड़ना, अकेला छोड़ना, लंबी लंबी छोड़ना या फिर किसी को छोड़ना, इस प्रकार से कॉमन वर्ड तो है इसमें सब में क्या है, छोड़ना। लेकिन इंग्लिश वर्ड इन सबके लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे जरा देखते हैं। धूम्रपान छोड़ना, धूम्रपान छोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं क्विट। क्या कहते हैं? क्विट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैं कहूं कि हैव यू क्विट। ये क्विट क्या है? क्विट की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इसका दूसरा फॉर्म देखें तो ये भी होता है QUITED, ये भी होता है। दोनों बहुत हार करेक्ट, दोनों सही है। तो हैव यू क्विट या क्विटेड द स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब हुआ क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया है। इसी प्रकार स्टेशन छोड़ना, स्टेशन छोड़ने को हम कहते हैं ड्रॉप। कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे स्टेशन छोड़ दो, या उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ा, या उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो इस प्रकार से छोड़ने को बोलते हैं ड्रॉप। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। विल यू प्लीज ड्रॉप मी टू द स्टेशन। इसी प्रकार धुआं छोड़ना, तो धुआं छोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रिलीज। क्या कहते हैं? रिलीज। अगर मैं कहूं कि ये फैक्ट्री बहुत धुआं छोड़ता है, तो इसके लिए कहूंगा कि दिस फैक्ट्री रिलीजेज स्मोक स्मोक वेरी मच। उसी प्रकार अकेला छोड़ना, अकेले छोड़ने को हम कहते हैं लीव। क्या कहते हैं? लीव। जिसे कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, या उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस प्रकार से लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। इसी प्रकार लंबी लंबी हांगना या डीग मारना, तो इसे बोलते हैं ब्रेक अलॉट। का मतलब होता है डीग मारना या लंबी लंबी छोड़ना। ब्रेक का मतलब होता है लंबी लंबी डीग मारना या छोड़ना, और अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा छोड़ना है, लंबी लंबी फेंकना। तो इसे इंग्लिश वर्ड इंग्लिश सेंटेंस के तौर पर जैसे ही ब्रेक्स अलॉट मतलब हुआ वह लंबी लंबी फेंकता है या लंबी लंबी डीग हांकता है या फिर छोड़ता है। किसी को छोड़ना, यहां किसी को छोड़ने का मतलब किससे है, धमकी के सेंस में है, चेतावनी के सेंस में है। जैसे स्पेयर। अब जैसे यहां पर किसी को छोड़ना, जैसे किसी ने कहा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, I will not spare you। इस प्रकार से इस वीडियो में हम जाना कि एक वर्ड छोड़ना है और इसके लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यही इंग्लिश का एक अट्रैक्शन है, एक चार्म है, जो लर्नर को काफी तकलीफ देता है लर्निंग करने में। तो वन बाय वन करके आपने इनको जाना। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।